क्या चल रहा भाई, क्या चल रहा भाई? ये यार मोहब्बत पापा को सुबह सुबह क्या बोलते हैं बच्चू? ओ ये कस्टर्ड एप्पल छिल रहा है यहाँ पे, तभी नो लाला हम नो गुड मॉर्निंग क्यों? जय श्री राम, जय पापी। क्या काम करके आओ? हाँ ये मेरे लिए आपने खा लिया? ओ रशु सुबह सुबह मेरे लिए क्या लेके आया? कस्टर्ड एप्पल। और क्या रहता है रशु, क्या होता है ये? ब्लूबेरी। अब मेरा छोड़ो फिर, ये क्या बात हुई? अपने फ्रिज में जिंजर पड़ी है? नहीं। जिंजर मंगा लो थोड़ी, क्योंकि किसी ने पेंट गीली कर दी है। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ, गीली कैसे हो गई पूरी पेंट? मैं उठाई हूँ। हैं? उठाई हूँ। चेंज करके आओगे आप पे? हाँ। जाओ भाग के जिंजर में डालेंगे, भाग के चेंज करके आ जाओ। यही उतार दी क्या? अरे यहाँ नहीं उतारनी भाई। ले मम्मा, ये ले, ये जिंजर का डर है गाइस। ये भैया ये लेटेस्ट हाथ में लेके क्या कर रहे हो भाई जिंदगी में? लट्टे साथ में लगे घूम रही मैडम हमारी। दिमाग ला लो पोलाइटली बेटा, अच्छे से आज अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो। गिव मी योर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ पोलाइटली। चलो करो करो। आ रहे मजे? आ रहे आ रहे मजे आ रहे? अच्छा पापा 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 पापा, so we have ordered this। ये अपना मसाज के लिए, रिलैक्सिंग के लिए। भाभी करोगे? ले भाभी तू भी करवा भाई, जो लड़की आई है। लो कर भाभी की पीठ पे करो करो करो। अरे रितु रितु, ये देख ये देख ये देख। अरे वाह। रशु रशु, गाय का बछड़ा खेलेगा? गाय का बछड़ा है? आओ। तो वी प्ले अ गेम वेयर यू हैव टू से दिस थ्री वर्ड्स, गाय का बछड़ा। सो गेम बहुत सिंपल है, रितु को तीन शब्द बोलने हैं। गाय का बछड़ा अगर बोल लेती है तो ये जीत जाएगी, और नहीं बोल पाती तो मैं जीत जाऊंगा। तो मैं उसमें बोल लूंगा, बताओ। चोट पकड़ना आसान है। बोल बोल बोल, हंसो नहीं ना, हंसो नहीं। बोलो गाय का बछड़ा 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 बछड़ा। नेक्स्ट ट्राई, तीन चांस मिलेंगे। चलो गाय का बछड़ा बछड़ा। हो क्या? गाय का बछड़ा बछड़ा बछड़ा। रशु की बारी, आप क्या बोला रशु? गाय का ए, छोड़ दो गाय का बछड़ा, सब छोड़ो बेटा। पापा की ब्लू बेरी सारी खा जाओ। गाय का बछड़ा गाय का पापा पापा करो, पापा करो। कैसे करो रस्सी दिखाओ। पापा करो। गोरी गाय का बछड़ा, गौ का बब, गाय का बछड़ा। लो बोल दिया, लो गाय का बब। पापा को ब्लू बेरी लालो। बहुत टेस्टी था यार। ये एक फैक्ट है, जैसे मैं जिम जाने के लिए रेडी होता हूँ, मुझे ये तुम्हारी स्माइल गड़बड़ लग रही है। पापा का फोन दे दो। ये नंबर नंबर फोन, ठीक है रख लो। अरे सेंटा क्लॉज लग रहा है, सेंटा क्लॉज। ये क्या रशियो, दिवाली गिफ्ट आया? अच्छी लगी आपको पिन्नी? अरे थैंक यू थैंक यू। मेरे को फटाफट तेल लगा दे, चल सर पे, फिर मैं नहाने जाऊँ ना। क्या गीजर ऑन नहीं है भैया? ये सब नहीं सहेंगे हम। ये क्या है? ये क्या है? बम। पिस्ता। ये मोटू आदमी, मैं पापा बाकी परेशान। पापा मम्मा मैं पापा वाली। तुम्हें भी लगा दें रशी, तुम्हारे भी बाल आ जाएंगे। मुझे लगा दो, मुझे इसमें ज्यादा स्मेल नहीं है। मेरे बालों में जितना इफेक्ट अनियन ने किया है भाई, वो किसी से नहीं आता। लगा दो। तुम्हें भी लगा दे। मुझे लगा दो। पापा को दिया। वैसे सही में तुम दोनों बाप बेटी को। मैं इसको भी लगा टकले। बोले मम्मा मुझे ला लो। मम्मा मुझे ला दो।
मामा को ये लगाओ। सो गाइस हम लगा रहे हैं मामा अर्थ का अनियन, ए अनियन स्कैल्प सीरम। यू रिमेम्बर मैं अनियन हमेशा वो लगाता हूँ, अनियन का ऑयल। लेकिन बहुत लोगों को क्या है ऑयली चीजें पसंद नहीं होती सर पे, ये ओवरनाइट सीरम है। इसको आप रात को लगा के सो जाइए, चिपचिप बिल्कुल नहीं होगी। सुबह उठ के आप इसको शैम्पू कर लीजिए। बट ऑयल में क्या है रात को लगा के, आई नो मुझे भी इरिटेशन होती है कि यार तकिए में मेरे को नहीं पता फॉर सम रीजन। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक बढ़िया चीज यार, देखो हम लोग को सबको लगता है कि कुछ अच्छा कर सके, कुछ अच्छा कर सके। व्हेनेवर यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम मामा अर्थ, योर ऑर्डर विल बी डायरेक्टली लिंक्ड टू अ ट्री। उस ट्री की जियो डिटेल्स, उसकी पिक्चर आप तक पहुंचा दी जाएंगी। सो द आइडिया इज टू हेल्प द एनवायरनमेंट। और दूसरी चीज भाई, मामा अर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जितना प्लास्टिक यूज करता है, देखो कोई भी प्रोडक्ट होता है पैकिंग वैकिंग प्लास्टिक यूज होता है, तो जितना भी यूज करते हैं उससे ज्यादा ये रिसाइकिल कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली एज आई यूजुअली से कि भाई ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, पीटा अप्रूव्ड कंपनी है। रश्यू लगाते हैं, डॉक्टर रश्यू, डॉक्टर रश्यू पापा को सीरम लगाते हैं स्कैल्प में टिंडी पे। इसको प्रेस करो, इसको प्रेस करो। हेलो, ये ओवरनाइट लगाना है, रात भर ये नहीं करना है। हाँ टाइम है पापा के पास बेटा। सो दिस इज द सीरम, बिल्कुल चिप चिप नहीं है। इसको आप लगा के कहीं बाहर भी आ सकते हो, लाइक थोड़ा सीरम सा है बस, कंघी की बाहर निकल लिया। मैं ओवरनाइट नहीं छोड़ रहा, अभी बज रहे हैं 5, मैं 9 बजे तक धोलूंगा। दिस लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, कोड इज फ्लाइंग बीच 2020, गो चेक इट आउट। आप इसकी पोटी दे दो, मैंने वहाँ से पोटी बहुत गंदी मारी इसने आज। मैं बना रहा हूँ खाना, मैं चाय बना दूंगा, मैं चाय मास्टर लूंगा। गर्मा गर्म शाम की चाय बनते हुए रश्यू ने कल हमारी ओखरी का वो तोड़ दिया कूटने वाला। सो नाउ वी हैव टू मिक्स मैच दिस विद दिस एंड वी आर लाइक कोई नहीं सह लेंगे भैया। रखो आपने देखे होंगे मौका परस लोग। रश्यू लाओ चने खा रही थी तो कहती पापा चने ले लो, मैंने कहा क्यों, कहती है शेयर है दस। लाओ और जब हाथ में टिपटो तो नो शेयर है दस, तो आपे आपे है ना। शर्मा का काफी टाइम हो गया, गुनो टेक अ शॉट। एक नजर आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले केस हुआ था एकता कपूर के ऊपर कि उन्होंने कुछ ऑब्सीन एक्ट्स डाले अपनी वेब सीरीज में, आर्मी की यूनिफॉर्म के ऊपर कुछ ऐसे सीन्स हैं। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही थी और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की बेंच ने डिसाइड किया। उन्होंने सबसे पहले कहा, उनके लॉयर ने, क्या नाम था, एकता कपूर के लॉयर ने, जैसा मैं चाहते हैं हम चाहते हैं कि आप इस FIR को रफा दफा कर दे कि इसमें वैलिड नहीं। जज साहब ने कहा नहीं, इस FIR को हम रफा दफा नहीं कर सकते क्योंकि हम इसमें इट कैन नॉट बी स्टेटेड आउट राइटली दैट द इम्पंच्ड एपिसोड इज नॉट ऑब्सीन, क्योंकि कोर्ट के वर्ड्स को कोट करना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी कुछ भी। तो जज साहब ये कह रहे हैं कि इसमें ये मना नहीं कर सकते कि इसमें ऑब्सीनिटी नहीं है। आगे एक कपूर कहती है कि भाई मेरा नाम मत लिखो क्योंकि मैं उस शो में ना तो प्रोड्यूसर हूं ना तो डायरेक्टर हूं, इसलिए मुझे इस केस में नहीं मुझे बहुत ही फनी लगा। और कोर्ट में ऐसा लग, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कोई तर्क वितर्क बच्चों के लेवल का है, इतने हाई केस में इतना छोटा लॉजिक कैसे, बट कोर्ट में कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि सर जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट है, वो प्रोफेनिटी से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, उसमें बहुत सारे और ऑब्सीन सीन्स होते हैं। जैसा आपने कहा अगर आपका पूरा मोहल्ला गंदा, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके वहाँ कूड़ा फेंकेंगे सड़क पर फेंकेंगे, अरे सब फेंक रहे तो हम भी फेंकेंगे भैया। अब इस केस की पेचीदानेस क्या है, तो जज बैठे हैं, ऑनरेबल जज इस केस का डिसीजन ले रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि सर आप अपना पर्सनल बायस डाल देंगे कि आपको जो ऑप्शन लगता है इस केस की आप जो सुनवाई करेंगे शायद उससे प्रभावित हो सकती है। लेकिन जज ने क्या कहा, बहुत सही चीज आप सुनी। द इंडियन ऑडियंसेस हैव ऑफ कोर्स कम ऑफ एज फ्रॉम द टाइम्स व्हेन टू फ्लावर्स कडलिंग ईच अदर सिंबलाइजिंग मेल एंड फीमेल यूनियन, मोर एक्सप्लिसिट मैनर्स ऑफ डिस्प्लेइंग सच एक्टिविटी, स्टिल द एक्सेप्टेबल नॉर्म ऑफ परमिसिवनेस इन द सोसाइटी कैनॉट बी इक्वेटेड with declining moral values. What is patently obscene from an ordinary person's point of view would remain to be so for all times to come. बाकी इस केस में अभी इतना ही हुआ, बाकी एक चीज यार से आ रही है तर्क रखे कोर्ट में, सुनो भाई मतलब सॉरी ये लंबा और बड़ा सॉरी। एकता कपूर दैट कंटेंडेड द इम्पंज मटेरियल वाज अवेलेबल टू बी वॉच्ड ओनली बाय एडल्ट्स, रिजेक्टिंग दैट, मतलब अगर आप ये नहीं कर सकते कि कोई भी इंटरनेट पे डाल दिया वीडियो उसके आगे लगा दिया कि भाई 18 के ऊपर तभी देखना,
Rejecting this submission as irrelevant, the court held that if the material is obscene, it is immaterial that the subscriber is major in terms of age. दूसरी चीज उन्होंने कही, सर ये तो पब्लिक डोमेन में नहीं है क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ये फ्री नहीं है। तो जज साहब क्या कहते हैं कि होटल, शॉप्स, बसेस, ये भी पब्लिक कन्वेंस है जहाँ पे आपको एंट्री मिलती है एक छोटी सी फी के बदले। इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स नहीं है। ठंडा हो गया भाई। कोई नहीं कोई नहीं। थैंक यू टकलू। हेलो। ओह ये क्या भाई, अरे वाह, किसने भेजा है? विवेक एंड प्रजापत। थैंक यू सो मच। अरे आई रिमेम्बर दिस नेम, इसने विवेक प्रजापत ना, समहाउ आई रिमेम्बर दिस। आई थिंक इन्होंने कभी बोलते नहीं भेजा था दशहरे का रावण। हाँ सेम गाय। यस यस रशु। राहुल सर। राहुल थैंक यू। जो जल्दी तो खाना मेरे पास, मेरे को अभी चाहिए इसी समय, मतलब एटॉमिक क्लॉक से भी एक सेकंड का सौवां ऐसा भी अपनी होना चाहिए। एक्चुअली व्हाट हैपेंड गाइस, वेज है पागल तेरे लिए वेज मंगा तो व्हाट हैपेंड। हां यस्टरडे आई वाज डूइंग लाइव स्ट्रीम, समबडी कमेंटेड कि भाई एक मेरा रेस्टोरेंट है तो उसमें आप आके प्लीज करो, थाई रेस्टोरेंट। तो हमारा प्लान था वहां जाने का, बट आपको पता यार काम इतना ज्यादा आता है कि घर से निकलना और ट्रैफिक, ये देख रहे हो ट्रैफिक। मैंने कहा चलो हम घर पे ऑर्डर कर लेते हैं, तो थाई खाने का मानता, सो वी ऑर्डर्ड थाई फूड टुडे। बल्ले बल्ले थाई खाएंगे, बल्ले बल्ले थाई खाएंगे। आज हम लोग क्या खाएंगे? थाई ग्रीन करी वेज, आई एम हैविंग थाई ग्रीन करी चिकन। क्या देखना है भाई? गैस देखनी है। सो फर्स्ट इट वॉज पापा मालदीव्स लालो, देन इट वॉज पापा हॉट एयर बलून लालो, एंड रिसेंट ट्रेंड इज गाइस पापा गैस लालो। गैस नहीं लाओ पापा, गैस लालो। क्या कह रही है? मालदीव लाला क्या? सो पीपल बाय गैस शी रेफर्स, जो हमने पिन्नी बनाई थी ना उसमें थंबनेल में गैस है, उसको अब गैस पर पापा गैस ला लो, पापा गैस दिखा दो, पापा गैस नहीं दिखा दो मालदीव। ओए ले मालदीव ज्यादा आ गया। हेलो भाई ये बहुत है मालदीव में ना, टेकली राम पोलाइटली पोलाइटली दिखा दो नहीं ला लो। प्लीज पापा और लालो के बीच में क्या था? मालदीव था, हॉट एयर बलून था कि गैस था? तो लगा नहीं पड़ गए, इतने प्यार से बोले मेरे गोली ने। I'm loving it.